हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। फ्रेंड्स, अब तक हम अपने लोअर लिम मसल्स एनाटॉमी सीरीज में आपको एंटीरियर कंपार्टमेंट कंप्लीट करा चुके हैं और मीडियल कंपार्टमेंट की भी एक मसल पूरी हो चुकी है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मीडियल कंपार्टमेंट की एक और मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके ओरिजन, इंसर्शन, एक्शन, नर्व सप्लाई और आर्टीरियल सप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मसल है आपके पेक्टेनियस। कौन सी? पेक्टेनियस। पेक्टेनियस एक लैटिन वर्ड पेक्टेन से बना है जिसका मतलब होता है कॉम। ठीक है, पेक्टेनियस एक फ्लैट मसल है, एक क्वाड्रेंगुलर मसल है। ठीक है, और पेक्टेनियस एक मोस्ट एंटीरियर एडेक्टर ऑफ द थाई भी कहलाता है। ठीक, एक और इसके बारे में खास बात जो है इस मसल्स की वो ये है कि पेक्टेनियस एक ड्यूअल इनर्वेशन मसल है। ड्यूअल इनर्वेशन मतलब ये उन चुनिंदा मसल्स में है जो एक साथ एक ही समय में दो कंपार्टमेंट में काउंट होती है, यानी इसको दो नर्व सप्लाई होती है। जैसे आपके पेक्टेनियस जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट की, इसकी नर्व सप्लाई जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट की है और फंक्शनली ये मीडियल कंपार्टमेंट की मसल है। ठीक है, पेक्टेनियस एक प्राइम मूवर के साथ साथ एक पोस्चुरल मसल भी है। ये क्या काम करती है पोस्टर मसल के तौर पे? ये स्टेबलाइज करती है हमारी पेल्विस को और बैलेंस करती है हमारे ट्रंक को। किस समय? जब हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उस समय ये हमारे पोस्टुरल मसल्स के तौर पे भी, यानी स्टेबलाइज करेगी पेल्विस को और बैलेंस करेगी आपके ट्रंक को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका ओरिजन, इंसर्शन, एक्शन और नर्व सप्लाई, साथ में साथ आर्टीरियल सप्लाई भी। पर उससे पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, हमारी इन वीडियोस को लाइक जरूर करिए। देखिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और मसल्स के और डिटेल में जाके आपको समझाने या बताने के लिए, तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस मसल्स का ओरिजन। पेक्टिनियस का ओरिजन कहां से होता है? देखिए, पेक्टिनियस ओरिजिनेट होती है आपके सुपीरियर प्यूबिक रैमस से। कहां से? सुपीरियर प्यूबिक रैमस से ये ओरिजिनेट होती है। अब बात करते हैं इसके इंसर्शन के बारे में। तो ये इंसर्ट होती है आपकी पेक्टिनियल लाइन ऑफ फीमर पे। कहां से ओरिजिनेट हुई आपकी? सुपीरियर प्यूबिक रैमस से ये ओरिजिनेट हुई और इंसर्ट हुई आपकी पेक्टिनियल लाइन ऑफ फीमर पे। ठीक है, अब जानते हैं इसका एक्शन के बारे में। तो इसका एक्शन क्या है? देखिए, ये थाई को फ्लेक्स करेगी, एडेक्ट करेगी, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन करेगी और पेल्विस को स्टेबलाइज करेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके नर्व सप्लाई के बारे में। मैंने कहा था डुअल नर्व है, तो इसमें दो नर्व की सप्लाई आएगी, फिमोरल नर्व L2 L3 और ऑब्टुरेटर नर्व L2 L3 इसकी सप्लाई होगा। ठीक, अब जान लेते हैं इसकी आर्टीरियल सप्लाई। तो देखिए, इसकी आर्टीरियल सप्लाई भी दो है, एक तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी और दूसरी आपकी ऑब्टुरेटर आर्टरी। ठीक है, तो अब मुझे दीजिए इजाजत, बहुत जल्द एक और नई मीडियल कंपार्टमेंट की मसल के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।